यश के भागी बन रहे हो, साथ ही तुम अपने काल को न्योता भी दे रहे हो। लंका वालों, तुम मैदान में होकर सो रहे हो, श्री राम से शत्रुता छोड़ो और प्रभु की शरण में जाकर माता जानकी को लौटा दो। अभी भी समय है, तुम्हारा भला हो सकता है। चोरी और सीना चोरी, तू हमें नीति की बात बता रहा है। तेरी बात सुनकर हमें बड़ी हंसी आ रही है। तुम आउट कर दो। तेरी उठपटांग बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तू उन तपस्वियों को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहा है। जो ना समझ तो छोटे बालक है, ना जाने किस घमंड में चूर है। हम तपस्वी छोकरों से डरने वाले नहीं है। वे अंजनी लाल के तुरंत ही नहीं भावत भाकर क्रोध का को देते थे। ऐसा लगता है तेरी मृत्यु का समय नजदीक आ रहा है। इस समय तेरा दिमाग भी घूम रहा है। इस समय कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। तू सचमुच ही बावला हो गया है। तुझे किसी भी प्रकार की नीति बतलाना व्यर्थ है। रावण है रावण, कोई पका हुआ फल नहीं जो तुम तोड़ के खा जाओगे। हे सभा सचिवों, ये बंदर बहुत उछल कूद कर रहा है, इसकी उछल कूद बंद करो। ये उन तपस्वी छोकरों के बल पर फूला नहीं समा रहा है। मेरी आंखों के सामने इसे मौत के घाट उतार दो। देव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोलते हो रहा है यह देखा अन्याय। हे भाई, कुछ सोचो समझो। जो सर्वत्र समा है दूतों को, ऐसा न करो कि जब धिक्कारे लंकापति की करतूतों को। आखिर राज्यसभा है यह राजन, अन्याय में यहां कीजिएगा। देना ही है यदि दंड, इसे अवसर देखकर दे दीजिए। भ्राता विभीषण, बहुत अच्छे मौके पर आए हो। अब तू ही बताओ, इस मरकट को क्या दंड दिया जाए ताकि इसकी उछल कूद बंद हो। हे राजन,
वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, अतः इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे बिन पूंछ का कर दिया जाए। यही उचित राज है, बिना पूछे पूछ के उद्यान उजाड़ा सारा है। अत्ते बिन पूछ का करो इसे, या चाल कर चाल लाल फल सूरज को मुख में रख लिया, क्या हुआ जो स्वाद तेरे फलों का चख लिया। आज्ञा सुन लंकेश की, हसे बलि हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। आया इतना पाटी न बचा तो तन तन को, कपड़े का ऐसा काल हुआ बच रहा न जरा कपन तक को। लगाते जाते थे पूछ पड़ाते जाते थे, भर के कपड़े लगा दिए पर तोर न उतना पाते। हनुमान जी के पूछ चलाने की व्यवस्था हो रही है और हनुमान जी पूरे जनता को ही जला देते हैं। सूतार के पास ले चलो, लड़ाई का
लंका दहन का अगला सीन आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके पश्चात हनुमान जी सीता से भी भेंट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक का सीन आप कृपया 10 मिनट का समय और दीजिए। Yeah,
एक धार्मिक गीत के साथ आज का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हेलो हेलो I'm not
करते हैं। सुन तुल के करुणा दार
बेटे बेटा बता हे महाबली हे महावीर पल पल तेरे जन्मित भूमि शीघ्र आकर आप उन्हें ले जाएं और आते समय माता ने मुझे चूड़ा मणि पर या सुनते ही अभी कबीर निकल हुए रघुवीर ले आती चेत को बाहर घोटे पर सेवक की भी विनय सुने
आप दया के भंडार हैं, लेकिन आते समय माता ने मुझे कहा था कि अगर आप एक महीने में नहीं पहुंचे तो सीता माता जीवित नहीं रहेगी। हे सुग्रीव जी महाराज, अति शीघ्र में अब लंका की ओर प्रयाण करना चाहिए। आप मानवतन सेना को तैयार कर हमें यहाँ से लंका की ओर प्रयाण करना चाहिए। प्रातः काल सुग्रीव से बोले रघुकुलनाथ, रण तो अब अनिवार्य